हेलो स्टूडेंट्स, जब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं या लेंस के बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है मैग्निफिकेशन, है ना। तो जो मैग्निफिकेशन है उससे हमें ये आइडिया लगता है कि ये इमेज के साइज के बारे में बताता होगा कि ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में इमेज का जो साइज है वो बड़ा है या छोटा है या सेम साइज का है ना। लेकिन एक्चुअली में मैग्निफिकेशन जो है इसके अलावा भी और कई सारे इंफॉर्मेशन हमें देता है ना। वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन देता है और मैग्निफिकेशन से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में इमेज बड़ा है या छोटा है या सेम साइज का है, ये सारी चीजें अभी हम लोग आज सीखेंगे, है ना। तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो एक्चुअली में दो टाइप का होता है, एक होता है लेटरल मैग्निफिकेशन और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। हम लोग जो नॉर्मली मैग्निफिकेशन बोलते हैं वो एक्चुअली में लेटरल मैग्निफिकेशन ही होता है ना। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो केसेस देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, उसमें जो ऑब्जेक्ट और इमेज होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखे जाते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन हम लोग फाइंड करते हैं उसको हम लोग लेटरल मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक केस लेकर के समझते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया है और इस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। यह ऑब्जेक्ट है ए बी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है ना। अब पॉइंट ए से एक लाइट रे हमने इस मिरर पर इंसिडेंट कराया जो पोल पर इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर कहीं पर इमेज बनाता है पॉइंट ए का, ठीक है। और यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर तो वो पॉइंट बी का इमेज हो जाएगा, ये हो गया बी डैस और ए का इमेज हो गया ए डैस, ठीक है। अब चूंकि इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, दोनों हमने थीटा ले लिया है, ठीक है। तो इसमें टैन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बन रहे हैं, या हम लोग जो दो ट्रायंगल्स हैं उनको सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करके भी जो मैग्निफिकेशन है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिमिलर ट्रायंगल वाला केस लेता हूं, जैसे ये देखेंगे पोल है ना। तो अपने पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों में एक एक एंगल थीटा है और फिर दूसरा एंगल दोनों में 90-90 है, तो तीसरा एंगल दोनों में इक्वल होगा, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। अब इनमें अगर साइड्स का रेशियो देखें तो वो इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखता हूं ए डैस बी डैस डिवाइडेड बाई ए बी, है ना, ये जो ट्रायंगल है इसमें हाइट लेंगे ए डैस बी डैस और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट लेंगे ए बी, इज इक्वल टू दोनों जो सिमिलर ट्रायंगल है उनका बेस लेते हैं तो छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो हो जाएगा बी डैश पी और जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ये इसका बेस हो जाएगा बी पी, है ना। तो ये जो है यहां से एक रिलेशन आया। अब इस रिलेशन में जो ए बी है उसको मैं कह सकता हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और जो ए डैश बी डैश है ये चूंकि इमेज है इसको मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहां से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको मैं लिखूंगा यू और इमेज डिस्टेंस ए डैश बी डैश चूंकि इमेज है तो ये डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस वी, है ना। अब ये जो भी हमने टर्म यहां पर लिखे हैं चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो चाहे हाइट ऑफ इमेज हो चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चाहे इमेज डिस्टेंस हो उनको हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो है इस इक्वेशन में जो अभी अभी हमने फाइंड किया है सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। अपना साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो इंसिडेंट रे किधर से आएगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर से चल करके मिरर पर आएगा, यानी पोल से राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लिया जाता है और नीचे निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो ए डैश बी डैश जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है
तो वो निगेटिव में आएगा, उसको मैं लिख सकता हूं माइनस एच आई, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ए डस बी डस को मैंने लिख दिया माइनस एच आई। उसी तरह से ए बी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, प्लस एच ओ लिख सकते हैं, है ना। बी डस पी क्या है, बी डस पी देखेंगे यहाँ से, ये बी डस पी जो है वो एक्चुअली में इमेज डिस्टेंस है, क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड में है, निगेटिव साइड में है, इसलिए मैं उसको लिखूंगा माइनस बी, है ना। और बी पी क्या है, बी जो है इमेज का लोकेशन एक तरह से कर सकते हैं, और पी जो है पोल है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, हाँ बी जो है वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का लोकेशन है और पी जो है पोल है, तो बी पी हो गया ऑब्जेक्ट का लोकेशन पोजिशन, तो इसको मैं माइनस यू लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन फाइंड करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को अगर मैं लिखता हूँ एम, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, देखेंगे ये माइनस और ये माइनस मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो एच आई बाई एच ओ का जो वैल्यू है यहाँ से आएगा माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग कहते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन, ये टर्म लैटरल मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब ये लैटरल मैग्निफिकेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, पहला चीज ये है कि अगर ये पॉजिटिव हुआ, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के उसी साइड में बनेगा जिस साइड में ऑब्जेक्ट है। अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है तो ऊपर ही इमेज ही बन जाएगा अगर एम पॉजिटिव आया तो, मतलब कि जो इमेज है वो इरेक्ट होगा। तो ये कह सकते हैं इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, सीधा। सीधा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनता है, तो उसको इरेक्ट कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, इमेज भी ऊपर बन जाए तो इरेक्ट बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नीचे है और इमेज भी नीचे बन जाए तभी उसको इरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव हो जाए तो जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड हो जाएगा, इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि उल्टा हो गया एक तरह से। अगर ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो जाएगा, तो ये हो गया इन्वर्टेड। ठीक है, अच्छा अगर मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन वन आ गया तो इसका मतलब हुआ कि एनलार्ज्ड इमेज है ना, एनलार्ज्ड और मैग्निफाइड इमेज जो हम लोग कहते हैं, ये सारी जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ वो इमेज की प्रॉपर्टी है, इमेज इरेक्ट होगा, इमेज इन्वर्टेड होगा, इमेज एनलार्ज्ड या मैग्निफाइड होगा। ठीक है, अगर एम जो मैग्निफिकेशन है लेस देन वन हो गया तो इमेज जो है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, है ना। डिमिनिश्ड का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन जो है इक्वल टू वन आ गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल हो जाएगा, है ना, साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वल। साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वल। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन से हमें पांच तरह के इंफॉर्मेशन मिलते हैं। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो इरेक्ट इमेज बनेगा, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव हुआ तो इमेज इन्वर्टेड होगा, अगर मैग्निफिकेशन वन से बड़ा हो गया तो एनलार्ज हो जाएगा या मैग्निफाइड हो जाएगा, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन वन हुआ तो छोटे साइज का इमेज बनेगा जिसको हम लोग डिमिनिश्ड कहते हैं, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू एग्जैक्टली वन आया है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लैटरल मैग्निफिकेशन के बारे में, है ना।
अब आते हैं जो दूसरे तरह का मैग्निफिकेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लैटरल में हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज जो होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वाला केस तब आता है जब ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखे गए हों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखे गए हों। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है, ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसका इमेज हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के दो एंड हैं तो इमेज के भी दो एंड होंगे। ऑब्जेक्ट का एक एंड मैं मान लेता हूं कि ए है और दूसरा एंड जो है वो बी है, तो इमेज का भी दो एंड होगा, ए डैश और ये बी डैश। कुछ भी हो सकता है, इन्वर्टेड ही बन सकता है ना। तो हमने वो कंसीडर नहीं किया है, इन्वर्टेड हमने जैसे जैसे दिखा दिया, ये भी जैसा ही ए डैश बी डैश भी दिखा दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का एक पोजिशन नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, हर पॉइंट जो है अलग अलग डिस्टेंस पर है पोल से देखेंगे तो। ठीक है, जैसे एंड बी है इसको मैं कह देता हूं कि ये U1 डिस्टेंस पर है, तो एंड ए जो होगा वो किसी U2 डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये कहा जाएगा U2 - U1, है ना। एक U2 डिस्टेंस है पोल से और U1 डिस्टेंस है पोल से, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ऑब्जेक्ट का लेंथ बताएगा, है ना। उसी तरह से अगर इमेज का साइज निकालना हो, साइज ऑफ इमेज, तो वो कितना हो जाएगा, यहां पर देखते हैं जो बी डैश है, बी डैश इमेज का लोकेशन है, ए डैश भी इमेज का लोकेशन है, लेकिन बी डैश उस पॉइंट का इमेज है जो ऑब्जेक्ट में बी लिखा हुआ है, इस बी का इमेज बी डैश है ना। यानी जो मिरर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उस मिरर फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट के जगह पर -U1 रखेंगे तो जो वी आएगा, वी यानी कि इमेज डिस्टेंस, वो बी बी डैश का लोकेशन बताएगा, तो इसको मैं V1 कह देता हूं। पॉइंट बी का जो इमेज है वो V1 डिस्टेंस पर है, उसी तरह से पॉइंट ए का जो इमेज है वो ए डैश पर। ठीक है, यानी जो मिरर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उस मिरर फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब U2 रखेंगे तो इमेज डिस्टेंस जो आएगा उसको मैं कह देता हूं V2, और वो इमेज डिस्टेंस इस ए डैश का लोकेशन बताएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो इमेज है, इमेज का साइज यहां से यहां कैसे आएगा, V2 में से V1 माइनस कर देंगे, इस V2 में से ये V1 माइनस करेंगे तो इमेज का साइज आ जाएगा। ठीक है, और जो मैग्निफिकेशन होता है वो हम लोग कहते हैं साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ये होना चाहिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज रखेंगे ऊपर हमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में इमेज का साइज पता करना है ना। तो ये हो जाएगा साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। जो लैटरल मैग्निफिकेशन था वहां भी डिफिनेशन यही था, बस थोड़ा सा फर्क था, वहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर थे, है ना। सबके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम था, हर पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारे पॉइंट थे क्योंकि वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था, लेकिन हर पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक ही था, तो उसके जो इमेज बनेंगे उनके लिए इमेज डिस्टेंस भी एक ही था। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक्सटेंडेड है, लेकिन अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखेंगे। हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट है लेकिन दो एंड जो है उन्हीं का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रख करके मिरर फॉर्मूला में हम लोग इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये दो एंड पॉइंट्स आएंगे इमेज के, और फिर इमेज जो एंड पॉइंट्स है उनके डिस्टेंस का या पोजीशन का जो डिफरेंस होगा वो लेंथ बताएगा, साइज बताएगा। तो साइज ऑफ इमेज यहां पर हो गया V2 - V1, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया U2 - U1, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है।
इसको आप चाहें तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कई बार ये होता है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बहुत छोटा हो, व्हेन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर वेरी स्मॉल। ऐसा हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज है वो छोटा हो, जैसे कि फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं कि मीटर या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जबकि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो छोटा है, 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर ऐसे है, है ना, तो उसको बहुत छोटा मान सकते हैं। जब बहुत छोटा मानेंगे तो उस केस में जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, यहां पर देखेंगे जो है डेल्टा वी बाय डेल्टा यू है, इसको मैं लिख दूंगा डी वी बाई डी यू। ऐसा क्यों? जैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन में करते हैं, बड़ा सा चेंज होता है तो डेल्टा वी से लिखते हैं, छोटा सा चेंज होता है तो डी से लिखते हैं ना। तो बड़ा चेंज था तो डेल्टा वी, बड़े साइज का इमेज होगा, छोटा इमेज होगा तो बहुत छोटा सा चेंज होगा तो उसको मैं डी वी लिख सकता हूँ। वैसे ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो उसको डी यू लिख सकते हैं, है ना। अब इसकी जो वैल्यू है वो कैसे पता करें? अपने पास जो मिरर फॉर्मूला होता है ना, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा -1/v² dv/dt और यहाँ पर आएगा -1/u² du/dt इज इक्वल टू, क्योंकि फोकल लेंथ कांस्टेंट रहता है वो चेंज तो होता नहीं है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 0। तो यहां से आप dv/du का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो dt है इसको कॉमन लेकर के बाहर कर देंगे तो यहां से dv/du का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -v/u का होल स्क्वायर, है ना। यानी कि ये एक्चुअली में देखेंगे जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है v/u, एक्चुअली में लेटरल मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है ना। अब वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चूंकि यहाँ तो स्क्वायर आया है तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो जैसे देखेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन अपना क्या आया था, लेटरल मैग्निफिकेशन ये आया था v/u, उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, तो उसी v/u का स्क्वायर कर दिया गया है यहाँ पर। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इस तरह से फाइंड करेंगे जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बहुत ही छोटा हो, है ना। तो ये दो तरह के मैग्निफिकेशन जो हमें जानना होगा। IIT JEE में इस टाइप का मैग्निफिकेशन भी पूछा जाता है, इसलिए ये जानना जरूरी है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में।